स्टैंड अप कॉमेडी। तो और सुन तो लो यार, तो आज का टॉपिक है ये स्टैंड अप कॉमेडी लॉन्डो पर है। तो यार स्टैंड अप करने का सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ। अरे सुन लो, तो यार स्टैंड अप करने का सिलसिला मेरा कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मुझे परफॉर्म करना था इंप्रेशन में। तो मैं डांस के ऑडिशन देने गया, उन्होंने कहा बेटा भाग रहे हो। मैं म्यूजिक के ऑडिशन देने गया, उन्होंने कहा बेटा बहुत भाग रहे हो। फिर भाई फिर मैंने भागने के ऑडिशन दिए, मैंने झेलो। तो यार लौंडे लौंडे बहुत प्यारे होते हैं। तो यार ये लौंडे बहुत प्यारे होते हैं, नॉट द वंस ऑन टिकटॉक, वो मीठी होते हैं यार। और ये मीठी प्रजाति अब फेसबुक और इंस्टाग्राम तक भी पहुंच चुकी है। सो व्हेनेवर आई ओपन माय इंस्टाग्राम होपिंग फॉर अ गुड मीम टू पॉप अप, व्हाट आई सी इज अ हॉट गर्ल डांसिंग ऑन ओ नारन्ना ओ नारन्ना एंड देन शी टर्न्स इनटू अ बदसूरत ब्लूज लौंडा। अरे वक्त बदल गया, जिस बात पर whenever two guys team up, we know that there is some kind of a disaster on the way. Two guys team, just look at our country. You have an awe. Man, hold it. Now I'm going to say it, what I'm going to say, what I'm going to say. Recently, I and my friend met in Delhi and we got heavily drunk. We were discussing about the girlfriends, ex-girlfriends. So, yaar, ekdam se papa ka call aa gaya. Ab, us raat ko mujhe Dehradun ke liye nikalna tha aur... So, yaar, ekdam se papa ka call aa gaya. Mujhe ki, haan, kitne der mein nikal raha hoon. पापा कहते हैं तू तो बस से आ रहा था। मैंने पापा सारी बस भी कैंसिल हो गई। तो पापा ने बोला चलो ठीक है फिर देख लेना अपने हिसाब से। तो यार हमें लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑल वी हैव टू डू इज टू रीच आउट टू देम एंड मेक देम फील हु वी रियली आर। तो यार आजकल बहुत मतलब न्यूज में चलता रहता है कि बच्चे परेशान है, सुन लो यार बर्बाद हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी ना हो गई तमाशा हो गया। तो ये लाइन दिल पे लगने वाली है। ओके, तो ये लाइन दिल पे लगने वाली है, ठीक है, कि जिंदगी ना हो गई तमाशा हो गया। वो जिंदगी क्या जिसका तमाशा ना हो गया।